आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न के अनुसार एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर तथा आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर हो का क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज के बारे में ज्ञात कर लेते हैं कि त्रिभुज में किस प्रकार दे रखा हो। ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होगा, चूंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ये दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होंगी और उसके पश्चात ये भुजा अलग होगी। अब जो समान भुजा है वो 13 सेंटीमीटर की है, ये 13-13 की दोनों हुई, और जो 24 सेंटीमीटर की भुजा है वो ये करिए बची हुई भुजा। अब इसमें हमें पता है कि अगर इस पर लंब डालें तो ये भुजा 12 सेंटीमीटर की प्राप्त होगी। तो ये अगर मैं इसको के नाम देता हूँ ए बी सी और डी, तो त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज एबीसी में अगर देखें तो भुजा अगर एडी मुझे निकालनी हो तो वो होगी अंडर रूट में 13^2 -12^2। उसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि जो एडी भुजा है वो मुझे प्राप्त हो जाएगी कितनी, 5 प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये बैठेगा अंडर रूट में 25। अब भुजा एडी मुझे प्राप्त होगी तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करना है, क्षेत्रफल होगा इसका सूत्र होता है बराबर 1/2 लंब गुणा ऊंचाई। अब हमें 1/2 लंब दे रखा है, हमें कितना एडी यानी 5 गुणा ऊंचाई लंब गुणा आधार ऊंचाई, आधार कितनी है मेरे पास 24, तो प्राप्त होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें प्राप्त हो गया क्षेत्रफल। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।